बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे अगले वीडियो में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ एक्सरसाइज 1.4 का कुछ एग्जांपल किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसके पार्ट्स किए थे, तकरीबन 4 पार्ट्स थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? डिटरमाइन के सो दैट द रेशो द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। के हमारे पास डिटरमाइन करें वे के की वैल्यू, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 हम करते हैं। जो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 के। तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास से एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास 1 है, तो वह ए की वैल्यू हो गई। इस तरह बी के साथ 2 इंटू के माइनस 2 है, तो एक्स के साथ हो, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू हो गई। इस तरह कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास माइनस 8 के है, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू हो गई। तो इस तरह ये हमारे पास फार्मूला है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। तो ये हमारे पास रूट्स आर इक्वल, तो री इक्वल का मतलब है कि हम ये इक्वेशन 0 के इक्वल लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास ए बी सी वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट करेंगे, तो ए के बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 इंटू के माइनस 2 होल स्क्वेयर, और हमारे पास ए के माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। इस तरह सी की वैल्यू हमारे पास माइनस के है। तो इस तरह जब हम ये स्क्वायर को लेंगे, तो इस 2 से तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह इस केस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ये ए स्क्वायर इधर 2 है, तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा। इस तरह इन सारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 32। इस तरह माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा। इस तरह फिर जब हम इस तरह ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और इससे हमारे पास माइनस 16 के आता है, और इससे 16 प्लस 16 आता है। इससे जब माइनस 16 आ जाए, तो ये भी के की वैल्यू है, ये भी के की, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो माइनस 16 प्लस 32 हमारे पास प्लस 16 बन जाता है, सही। ये डायरेक्ट स्टेप हुआ है, गाइड वालों ने डायरेक्ट स्टेप किया है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। फिर तो पहले तो इन लोगों ने क्या किया कि इसमें 4 हमारे पास कॉमन हो सकता है। इन लोगों ने 4 कॉमन ले लिया और इस तरह 0 की तरफ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 4 ख़त्म हो गया। हमारे पास क्या बच गया? इधर के स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 4, और फिर हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला है। तो उन लोगों ने k प्लस 2 होल स्क्वायर लिख लिया, और फिर क्या किया, इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लिया, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है। इससे ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, और इधर हमारे पास के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर है। तो ये हमारे पास के की वैल्यू निकला है। एक पार्ट हमने किया। दूसरा पार्ट में हमारे पास क्या है? के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस के प्लस 1 इंटू, और सी की वैल्यू हमारे पास 4k माइनस 3 है, सही है। तो ये फिर हमने वो वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लिया, लेकिन 0 को इक्वल लिया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है रूट्स आर इक्वल। तो हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास के प्लस 1 है, माइनस के प्लस 1 है, लेकिन स्क्वायर के साथ ये के ख़त्म हो, माइनस ख़त्म हो जाएगा। इस तरह माइनस 4 अपनी जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 4k माइनस 3 है, सही है। तो अगले पेज पे हम जाते हैं। अगले पेज पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास अगले पेज पे फिर वो देख ले, वो फार्मूला हमने खोल दिया। के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 हमारे पास
के प्लस वन वाला जो फार्मूला, के प्लस वन होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला था वो हमने खोल दिया इधर, तो हमारे पास इधर ये फार्मूला खोल दिया। इस तरह हमारे पास उधर था अंदर बाहर फोर था, और अंदर हमारे पास तकरीबन सी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी जो थी हमारे पास फोर के माइनस थ्री था, तो माइनस फोर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर मल्टीप्लाई बाई फोर हमारे पास माइनस सिक्सटीन, इस तरह माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस फोर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस ट्वेल्व बन जाएगा। इस तरह ये देख ले प्लस वन और ट्वेल्व दोनों प्लस होते हैं हमारे पास, इसे थर्टीन बनता है, और माइनस सिक्सटीन प्लस टू हमारे पास इससे माइनस फोर्टीन बनता है। इस तरह के स्क्वायर अपनी जगह, तो इधर देख ले ये वाला स्टेप आप तीनों जो एग्जाम एक्सरसाइज हमने किए हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 इन तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन वाला तरीका हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तीनों तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं और के की दो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर इन लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन वाला तरीका किए कि पहले वाला आखिरी वाला लिए मैं वो तो अपना वाला तरीका करता हूँ के स्क्वायर पहला वाला वैल्यू मल्टीप्लाई बाई आखिर हमारे पास 13 है, तो हमारे पास इससे क्या बनता है 13 के स्क्वायर। फैक्टराइजेशन वाला तरीका मैं करता हूँ, फिर इसमें इसको दो में डिवाइड किया, फिर इसको भी दो में डिवाइड किया, हमने एक ले लिया, हमने क्या ले लिया के हमने ले लिया और ये भी के ले लिया, इस तरह एक 13 ले लिया, 13 तो टू में डिवाइड नहीं सकता लेकिन 13 और 1 हम ले सकते, एक 13 ले लिया एक 1 ले लिया, तो 13 हो गया, 13 हो के हमारे पास इससे 13 के आ जाएगा, इस तरह 1 और के इससे हमारे पास क्या आ जाएगा के, हमारे पास ये दो वैल्यू निकला है, तो हमारे पास इधर क्या है माइनस 14 है, तो दोनों को हम अगर माइनस माइनस लेंगे तो अगर प्लस प्लस लेंगे तो ये प्लस 14 बन जाएगा, अगर माइनस 14 माइनस 13 माइनस के लेंगे तो बस माइनस वाला वैल्यू बन जाएगा। ये देख ले बस माइनस 13 के और माइनस के हमारे पास माइनस 14 के बन जाता है, सही है, ये देख ले ये माइनस 14 के हमारे पास ये वाला बन जाता है। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यही बनता है माइनस 13 के माइनस के और दोनों को, तो प्लस 13 के स्क्वायर हमारे पास बनता है। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या है, एक तो माइनस 13 है के, दूसरा हमारे पास माइनस के, तो ये देख ले माइनस के आगे लिखे माइनस 13 बाद में लिखे क्योंकि इधर 13 है तो कॉमन हम आसानी से ले सकते हैं, तो इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया के कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास के प्लस माइनस 1 रहेगा, इधर इन दोनों में हमने माइनस 13 कॉमन ले लिया तो हमारे पास के माइनस 1 अंदर रहेगा, इस तरह माइनस 13 के हो गया, माइनस 13 हमने अलग लिख लिया, इस तरह के माइनस 1 अलग लिख लिया, इस तरह के की वैल्यू हमने दो मालूम किए, एक माइनस 13 और एक 13 और एक 1 हमारे पास ये के की वैल्यू निकला है। ये देखो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था, तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है के प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के प्लस के प्लस 5 हमारे पास ये है, और हमने एक्स ए की वैल्यू हमारे पास के प्लस 2 है, इस तरह बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, एक्स के साथ 12 है तो हमारे पास बी की वैल्यू 12 है, इस तरह सी की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 5 है, सही है, तो डिस्क्रिमिनेंट लिया 0 की इक्वल ले लिया और ये ले बी की वैल्यू हमने पुट किया 12, इस तरह 4 अपनी जगह, ए की वैल्यू हमने के प्लस 2 पुट किया और सी की वैल्यू हमने 2k प्लस 5 पुट किया, फिर हमने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k और 2k हमारे पास 2k स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 5 नो 5k इससे 5k आता है, और फिर इधर आप देख ले 2 और 2 k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे 4k आता है, तो इससे हमारे पास 9k आता है, सही है, तो इधर ये देख ले इन लोगों ने डायरेक्ट 9k लिए, इस तरह 2 को 5 से 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 10 आता है, सही है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। फिर ये देख ले ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये देख ले माइनस माइनस 8k स्क्वायर 4 9 36 माइनस 36 इस तरह माइनस 40 आता है,
फिर ये देख ले 144 40 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास माइनस इन लोगों ने ये प्लस ये से ये आता है सही है, इन दो जो हम कर ले इससे ये वाला स्टेप आते है 8k² 1k² को हमने आगे लिख लिया, फिर 36k माइनस 36k सही है, और इस तरह प्लस 104 आता है इज इक्वल टू जीरो सही है। तो ये देख लीजिए, हमें इन दोनों को माइनस करें तो प्लस 24। फिर इन लोगों ने क्या किया कि इधर 8k² के साथ माइनस है, माइनस भी कॉमन ले लिया और एक 4 कॉमन ले लिया, माइनस और 4 कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास 2k² रह जाएगा, इधर प्लस हमारे पास 9k रह जाएगा, और इस इधर हमारे पास माइनस जो है 26, क्योंकि 4 26 = 104 तो इस ज़ीरो, फिर ज़ीरो इस 4 को जब इधर डिवाइड करेंगे तो 4 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 2k² प्लस 9k प्लस 26, ये हमारे पास ये रहेगा सही है। माइनस भी कॉमन ले लिया और दूसरा 4 भी कॉमन ले लिया, 4 इसलिए कॉमन ले लिया और कि हमारे पास क्वेश्चन आसान हो, माइनस भी इसलिए कॉमन लिया कि क्वेश्चन हमारे पास आसानी से सॉल्व हो। तो ये देख लिया हमारे पास इधर पिर फैक्टराइजेशन इस्तेमाल हुआ है, आप इस पर ख़ुद प्रैक्टिस करें, इसका फैक्टराइजेशन ख़ुद निकाले मैंने ऊपर वाला किया है। तो इन लोगों ने ये 9 से जो दो वैल्यू निकाले है प्लस 13 और माइनस 4, ये दोनों दो वैल्यू इन लोगों ने निकाल दिया, फिर इसमें हमारे साथ सिर्फ के कॉमन है और कॉमन नहीं सकते, तो के कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर क्या रह गया 2k प्लस 13, इस तरह इधर जो है हमारे पास दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया प्लस 2k, और इस तरह माइनस 26 से प्लस 13 बन गया इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह फिर क्या किया कि के माइनस 2 को हमने अलग लिख किया, इस तरह 2k प्लस 13 को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास प्लस 2 आ गया, इससे हमारे पास प्लस 2 है, जब ये 0 की को लेंगे और राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास प्लस 2, इस तरह इसको राइट हैंड साइड पर 13 को लेकर जाएंगे और 2 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 13/2 हमारे पास यही आता है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पिछले फैक्टराइजेशन में मैंने बहुत किया, आप खुद इस पर प्रैक्टिस करें। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² प्लस 3 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4k प्लस 5, तो एक की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, बी के हमारे पास 3 इंटू के प्लस 1 हो गई, और सी की वैल्यू हमारे पास 4k प्लस 5 हो गई सही है। फिर हमने क्या किया, वो फार्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4 एसी में ये पुट किया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इंटू के प्लस 4k प्लस 1 होल स्क्वेयर, और ये हो गया माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी के हमारे वैल्यू हमारे पास 4k प्लस 5 है। इसी तरह जब हम इसका ये बी वाला इसका स्क्वायर को लेंगे, 3 से हमारे पास 9 हो जाएगा क्योंकि 3 पे भी स्क्वायर है। इस तरह इसका ये फार्मूला को लेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हमारे पास रह जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। इस तरह इधर जब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 4k प्लस 5 बन जाएगा। इस तरह नीचे प्लस ये दोनों ये 9 जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 9, और इधर ये 4 4 = 16 तो माइनस 16k, इधर 4 5 = 20 तो माइनस 20। इसी तरह जब हम और कैलकुलेट करेंगे तो 18 माइनस 16 हमारे पास ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास प्लस 2k आ जाएगा। इस तरह 9 प्लस माइनस 20 तो हमारे पास माइनस 11 हो जाएगा। और फिर क्या किया, सिंस द रूट्स आर इक्वल तो हमने 0 की इक्वल ले लिया। फिर हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन ले लिया, फैक्टराइजेशन ये देख लिया हमने, इसका फैक्टराइजेशन ले लिया, इस 2 को 2 में डिवाइड कर दिया। इसका मैंने तरीका ऊपर बताया, ये आप खुद कर ले इस पर प्रैक्टिस। तो 9k दो वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस 11k माइनस 9k और माइनस इलेवन हमारे पास लास्ट वैल्यू हो गई। फिर हमने ये हमारे पास इधर 9 है तो 9 को हमने इधर किया, इधर 11 है तो 11 का हमने सिर्फ जगह चेंज किया इन दोनों का सही है। और फिर अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अगला स्टेप आप ये देख ले 9 इसमें से हमने 9 के
एक में से हमने 9 के कॉमन लिए और दूसरे में हमने 11 कॉमन ले लिया, सही है। दूसरे में हमारे पास 9 भी कॉमन है और k भी कॉमन है, और इसलिए हमने 9 के कॉमन ले लिया पहले में, और दूसरे में हमारे पास सिर्फ 11 कॉमन है, तो सिर्फ हमने 11 कॉमन ले लिए, अंदर हमारे पास के माइनस वन और के माइनस वन हमारे पास रहता है। तो फिर हमने क्या किया, 9k प्लस 11 कॉमन ले लिया, तो k माइनस वन हमारे पास एक हो जाएगा और दूसरा हमारे पास 9k प्लस 11 रहेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम दोनों इसको इन दोनों कॉमन ज़ीरो की इक्वल ले लेंगे, ये देख लीजिए ऊपर नीचे ज़ीरो की इक्वल ले लिया, तो ये जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे माइनस 11 और डिवाइड बाई 9, माइनस 11 डिवाइड बाई 9, माइनस वन को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास को पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 था। अब पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 3k प्लस 6, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 है, और इस तरह कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास k है। हियर a इज इक्वल टू 3k प्लस 6, p इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू k। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और हम इक्वल रूट से तो जीरो के इक्वल लेंगे। तो b हमारे पास 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस 4 और प्लस a हमारे पास माइनस 4 और k हमारे पास a हमारे पास क्या है 3k प्लस 6 इंटू और c हमारे पास k है, तो इससे 36 आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 और इससे हमारे पास प्लस माइनस 24 के, ये k भी इसके साथ बस लिख लिए, ये एक के तो ये माइनस 12 के स्क्वायर, इस तरह 24 माइनस 24 के स्क्वायर। तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इस तरह, एक तो हमारे पास इसमें क्या कॉमन है 12 कॉमन है, और दूसरा हमारे पास इसमें माइनस हम कॉमन लेंगे। तो ये इन लोगों ने इस तरह के ये इस पहले मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, ये देख ले माइनस 12 के, ये स्टेप की बात सही है, और माइनस 12 के स्क्वायर माइनस 24 के और प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। तो हमने एक माइनस कॉमन ले लिया और दूसरा हमने 12 कॉमन ले लिया, हमारे पास इधर क्या रह गया है के स्क्वायर, और इधर प्लस 2 के माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 12 हमने इधर डिवाइड कर दिया, तो ये 12 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस माइनस 3। तो फिर इन लोगों ने ये डायरेक्ट ये आप इसका फैक्टराइजेशन लिए ले ले फैक्टराइजेशन कर ले, ये बहुत आसान है फैक्टराइजेशन, आप खुद कर ले इसका और फिर सॉल्यूशन आंसर मालूम करें, यही आंसर आएगा सही है, लेकिन सही करना है, यहाँ तक क्वेश्चन सही हो तो फिर सही होता है। इन लोगों ने k की वैल्यू एक प्लस 3 निकाली और दूसरा माइनस 1 निकाला, तो फिर क्या किया कि k की वैल्यू हमारे पास एक माइनस k है और दूसरा k की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स थे, और ये हमने कर लिए k की वैल्यू मालूम करने। तो ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ करें कि हमारे पास ये फॉलोइंग इक्वेशन जो है ये जो है हमारे पास रियल है। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप या करते हैं तो एक बार आप देख ले, तो लेकिन इसमें कुछ भी मुश्किल है ये आप जो इम्पोर्टेंट नहीं इतना, ये आप छोड़ दे, अगर करना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट में बता दें सही है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस पेपर वैसे ही टाइम ख़राब होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रहे हैं पार्ट 1, इफ़ द रूट्स ऑफ ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो आर इक्वल, देन प्रूव। अगर आपके पास ये इक्वेशन हो और ये ज़ीरो के इक्वल हो और तो आप फिर इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन प्रूव करें, तो ये ऊपर वाला इक्वेशन जो है हमारे पास जो गिवन है इससे हम ये वाला अभी मालूम करें कि ये इससे आता है कि नहीं।
ये इसे हम अभी चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लिया, इसके बाद हमने क्या लिखा, ए की वैल्यू हमारे पास इधर क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और इस तरह बी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हम इस फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स मतलब जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल हमने लिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमने जीरो के इक्वल ले लिया। इस तरह बी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू होल स्क्वायर हमारे पास होल स्क्वायर। इस तरह माइनस फोर अपनी जगह ए की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी है इंटू सी की जो वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी है। इस तरह हमने इसका जो फोर का जो स्क्वायर खोल लिया, इस टू का स्क्वायर खोल लिया तो प्लस फोर आ जाएगा। इस तरह ये हमने अलग लिख लिया और फिर क्या किया, अंदर ये फोर बाहर छोड़ दिया, इस तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इस बी 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 और सी को मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर और सी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह सी स्क्वायर ए सी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए सी क्यूब आ जाएगा। इस तरह सी स्क्वायर को माइनस ए बी को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। इस तरह माइनस ए बी को माइनस ए सी को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्लस ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। सही है, हमारे पास ये दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया हमने, ये फोर जो है दोनों के साथ कॉमन है, इस ये दो अलग वैल्यू है, हमने फोर कॉमन ले लिया और जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये फोर जो है ख़त्म हो गया, इससे हमने फोर डायरेक्ट ख़त्म कर लिया। सही है, फोर हमने इधर इससे डायरेक्ट ख़त्म कर लिया। हमारे पास जब इसका ये फार्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्र ए फोर हो गया, इस तरह बी वी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो ये फोर हो जाएगा। इस तरह बी सी जो है बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह माइनस टू ये ए हो गया या बी हो गया। सही है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर है, बी की वैल्यू बी सी है। इस तरह ये फोर तो हमने ख़त्म कर लिया, कॉमन कर लिया और जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी फोर, इसके साथ ही दोनों से हमने कॉमन कर लिया, जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर ख़त्म हो गया। फिर हमने क्या किया कि ये बी सी माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जब इन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीस की सी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए सी क्यूब हो जाएगा। इस तरह माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी क्यूब हो जाएगा। इस तरह माइनस जो है प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास प्लस बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों कटते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या कटते हैं, और दूसरा हमारे पास ये देख ले माइनस टू ए स्क्वायर बी सी और माइनस टू ए स्क्वायर बी सी, तो ये हमारे पास माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा। और फोर क्यूब हमने फोर हमने ए पावर फोर हमने अपनी जगह को लेकर आए, और प्लस ए सी क्यूब हमने अपनी जगह, और हमारे पास क्या बचता है, प्लस ए बी क्यूब हमने अलग अपनी जगह लेकर आ गए। और फिर क्या किया, इन सारों से हमारे पास इधर भी ए है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इनसे हमने ए कॉमन कर लिया हमारे पास, और ए हमने ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास ए क्यूब सी क्यूब बी क्यूब माइनस थ्री ए बी। तो जब हम ये थ्री को थ्री माइनस थ्री ए बी को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। तो हमारे पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ये मैंने हमने प्रूफ कर लिया। सही है, तो क्वेश्चन नंबर फोर ये हमारे पास पार्ट टू क्या है, पार्ट टू हमारे पास इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल रूट्स, ये ऊपर की तरह आपके पास एक इस तरह इक्वेशन है और इससे ये बनाना है कि ये प्रूफ करे कि ऊपर वाले इक्वेशन से ये नीचे वाला आ जाए। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो इसको हमने खोल दिया एम एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और प्लस टू एम सी एक्स इज इक्वल टू ए ए स्क्वेयर। इस तरह ये देख ले ए स्क्वेयर, ये भी ए स्क्वेयर, ये भी हमने इस एक्स स्क्वेयर से कॉमन ले लिया तो एम प्लस वन प्लस एम स्क्वेयर रहेगा। इस तरह ये देख ले एक्स की वैल्यू हमारे पास टू एम सी एक्स है, इस तरह प्लस सी और माइनस ए को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो माइनस ए स्क्वेयर बन गया। फिर देख ले ए की वैल्यू हमारे पास वन प्लस एम स्क्वेयर है, बी की वैल्यू हमारे पास टू एम सी ए, सर सी की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वेयर माइनस ए है। तो बी की वैल्यू हमने इधर इस फार्मूले में पुट कर दिया। ये क्या करे, सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, देयर फोर हमारे पास रूट्स इक्वल है, तो हमने क्या कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल ले लिया। ये हमारे पास बी स्क्वेयर हमारे पास क्या है, टू एम सी होल स्क्वेयर। इस तरह माइनस फोर और एम के ए की वैल्यू हमारे पास वन प्लस एम स्क्वेयर है, बी सी की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वेयर माइनस ए है। तो ये हमने इसका स्क्वेयर कर लिया, फोर स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर। इस तरह ये इसका माइनस फोर, और जब हम इस वन जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सी स्क्वेयर, इस तरह वन जो है ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वेयर, सर एम जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, सर एम जो है माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ये हमारे पास बन गया। इस तरह इस इधर भी फोर है, इधर भी फोर है, इस तरह इधर भी हमने फोर ख़त्म कर लिया। और फिर हमने क्या किया, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये अपनी जगह, और फिर ये माइनस जो है हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस सी स्क्वेयर प्लस ये प्लस ए स्क्वेयर माइनस एम, ये प्लस है तो माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इस तरह ये माइनस है तो प्लस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो ये देख ले हमारे पास ये और ये हमारे पास कटते हैं, प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर और माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये दोनों कट गए। हमारे पास क्या रह गया, माइनस सी स्क्वेयर, इसको हमने राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो प्लस सी बन गया, और ए स्क्वेयर इधर और एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर हमारे पास इधर। इधर हमने फिर क्या किया, इधर हमने फिर क्या किया, ए स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, फिर क्या किया वन प्लस एम स्क्वेयर। तो ये देख लिया हमारे पास प्रूफ हो गए, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू वन प्लस एम स्क्वेयर, हमारे पास ये इधर प्रूफ हो गया, सही है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फोर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, और इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं हो सकता, अगर कोई भी फिर भी कोई मुश्किल हो तो कमेंट में फिर ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।